दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका संस्कार एग्रो में स्वागत है। दोस्तों एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हुआ हूँ। ठीक है, हमारे पास अक्सर हम इस जो वीड है, ये जो गाजर घास हम लोग कॉमन बोलते हैं, इसको जरूर देखते हैं। ठीक है, तो ये आसपास बिना लगाए हमेशा फैल जाते हैं रास्ते के किनारे या रेलवे जो स्ट्रीट हो है उनके किनारे में आप अक्सर देखते होंगे। और कहीं कहीं तो हम जो जो किसान बंधु है वो कभी भी क्रॉप लगाने के बाद जब खाली परत बच जाता है तो वहाँ पर ये आमतौर पर गाजर घास आ ही जाता है। ठीक है, और इनको कंट्रोल करने के लिए हमेशा किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि इनमें जो ग्लाइफोसेट वगैरह है और जो भी सफाचट वगैरह ये काम नहीं करता है इसमें ज़्यादातर। तो एक हमारे पास एक सोल्यूशन है इसका। ठीक है, एक नया जानकारी है जिसको साझा करना है। तो दोस्तों कॉमन में तो ये गाजर घास बोला जाता है, इसका इंग्लिश नाम है पार्थेनियम। ठीक है, और ये एक्सीडेंटली 1955 में ये टॉपिकल अमेरिका मेक्सिको से ये अचानक एक्सीडेंटली आ गया था। ठीक है, तो उसके बाद फिर ये फैलते गया, पूरे भारत में फैल गया। ठीक, फिर ये कंट्रोल के लिए एक साइंटिस्ट है जो मेक्सिको से ही एक बीटल लेके आए जिसका नाम था मैक्सिकन बीटल। इसका साइंटिफिक नेम था जाइग्रोग्रामा बाइकोलोराटा, जो कुछ हद तक ये इस घास को, इस घास में ये होस्ट प्लांट इसे खाता था, जो कुछ हद तक कंट्रोल कर रहा है। पूरी तरह से नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ हद तक कंट्रोल कर रहा है, जैसे कि इसका लीव्स वगैरह को ये फीड करता है। ठीक है, जैसे कि इसमें किया हुआ है। खैर, ये मैक्सिकन बीटल का नहीं है, ये ऐसे ही हो गया है। ठीक है, तो मैक्सिकन बीटल का आपको स्क्रीन में दिखता होगा फोटो, वो उस टाइप से। तो ये क्या करते हैं कि जब अपने फीड करने के लिए ये जाइग्रोग्रामा बाइकोलोराटा में ही अपने गाजर घास को ही फीड करते हैं और दूसरे होस्ट को नहीं करेगा। ठीक, तो एक ये भी आपको एक जे बायो कंट्रोल एजेंट हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ अगर आपको इसमें इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखने मिला हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।